नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वेजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप सभी के लोन सेटलमेंट के बाद सभी को लोन मिलेगा बहुत ही आसानी से। जी हां दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है और आपने अपने लोन को सेटल करा लिया है, तो अभी तक तो ऐसा माना जा रहा था कि लोन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता है, लेकिन बैंक अब एनओसी आपको दे रही है और आपको लोन बहुत ही आसानी से मिलेगा। और किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो आपको लोन मिलेगा, चाहे आपका सिविल कुछ भी हो। मैं आपको बता दूं कि सिविल आपका माइनस में ही क्यों ना हो, आपको लोन बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बात है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो आपने मान लीजिए कि पर्सनल लोन लिया किसी भी एनबीएफसी, प्राइवेट या नेशनल बैंक से। अब आपने पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर दिया और आपने अपना सेटलमेंट करा लिया। अब आपने सेटलमेंट करा लिया तो बैंक ने आपको एनओसी दे दिया। हमने एक वीडियो बनाया था एनओसी को लेकर के, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर हमको बैंक ने एनओसी दिया है। तो बिल्कुल बैंक ने आपको एनओसी दिया है, लेकिन इस एनओसी के आधार पे आपको आगे लोन मिल सकता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सेटलमेंट कराइए और सेटलमेंट के बाद भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो पहले इस बात को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि सेटलमेंट के बाद क्या होता है, क्या आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो आपके पास जो ज्ञान है वो बिल्कुल अधूरा है, इन्फॉर्मेशन गलत आप तक पहुंच रही है। देखिए, अगर आपने पर्सनल लोन लिया हो, अनसिक्योर हो चाहे सिक्योर हो, चाहे केसीसी हो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई भी फाइनेंस है, मान लीजिए कि आपने एक फ़ोन भी फाइनेंस कराया, 10,000 का फ़ोन फाइनेंस कराया, आपने 8,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये के लिए आपने सेटलमेंट करा लिया, तो वहाँ से भी आपकी जो सिबिल है वो ख़राब हो जाती है। अब इसमें क्या है कि जब सिबिल ख़राब हो जाती है तो हर बैंक हर साल आपका या किसी भी क्लाइंट का सिबिल रिपोर्ट, वो अपने जो भी क्लाइंट है उनका सिबिल रिपोर्ट हर साल वो सिबिल कंपनी को सबमिट करते हैं। तो ऐसी सिबिल कंपनी के वेबसाइट पे जितने भी क्लाइंट हैं उनका सिबिल स्कोर शो होता है। तो यहाँ पे सेटलमेंट के बाद आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और ये जब डाउन होता है तो आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरीके से जुगाड़ बताते हैं कि आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा। तो आप पर्सनली एक्सपीरियंस करिए, ब्रांच में जा कर के किसी भी बैंक के, अगर आपका सिबिल डाउन है तो आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा। अगर कोई लोन देने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फ्रॉड तरीके से बात कर रहा है, या हो सकता है कि उनके पास कुछ बैक ड्रॉप हो, कुछ बैक दरवाजे से उनके पास कुछ स्कीम्स हो, लेकिन वो भी आपको झांसे में आज नहीं तो कल वो फंसा ही देंगे। क्योंकि लोन सेटलमेंट के बाद आपका सिविल डाउन होता है और सिविल जब डाउन होता है तो लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इस पर भी बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे कि सर आप हमें डरा रहे हैं। देखिए, हम डरा नहीं रहे, और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं एक एडवोकेट हूं और मैं जो एडवोकेसी करता हूं, जो फैक्ट है, जो कानून है, उसको ही मैं बताता हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए इल्लीगल चीज़ें मैं नहीं बता सकता। अब मैं इल्लीगल चीज़ें अपना व्यू बढ़ाने के लिए मैं बता दिया कि मेरा व्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इससे नुकसान हमारी जनता को होगा, जो जनता हमें इतना प्यार देती है, हमें सपोर्ट करती है, और अगर हम कुछ इल्लीगल चीज़ें बता दें तो उनको नुकसान हो जा तो वो हमें कहीं ना कहीं अपशब्द कहेंगे या फिर वो हमें भला बुरा कहेंगे। तो हम खुश करने के लिए आपको गैर कानूनी चीज़ें पहले तो नहीं बताते हैं, जो फैक्ट हो, जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो पहली बात हम लोग की क्लियर हो गई
कि लोन सेटलमेंट के बाद सिबिल स्कोर डाउन होगा और आपको आगे लोन मिलने में बहुत ही समस्या होगी। अब हम जो दूसरी बात है वो करने जा रहे हैं कि एनओसी मिलता है अगर आपने कोई भी लोन लिया, आपने मान लीजिए अनसिक्योर लोन ही लिया और आपने अपने अनसिक्योर लोन का सेटलमेंट करा लिया और बैंक ने आपको एनओसी दे दिया, तो ये जो एनओसी है वह एनओसी नहीं होता है जिससे कि आपको आगे लोन लेने में एक राहत हो, यानी कि आगे की राह कंप्लीट हो गई, आगे की राह खुल गई। मान लीजिए कि आपने केनरा बैंक से या HDFC से या फिर ICICI या फिर RBL से, किसी भी प्राइवेट बैंक से या फिर किसी भी NBFC कंपनी से आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, आपने उसका सेटलमेंट करा लिया, तो जो सेटलमेंट के बाद NOC मिलती है वो बैंक आपको देता है। लेकिन इस NOC का ये मतलब नहीं कि आपका लोन सेटल्ड हो गया तो आपको लोन आगे मिलेगा। अगर ऐसा है तो हर व्यक्ति यही करेगा कि अपने बढ़े हुए लोन को कम में सेटलमेंट कराएगा और वह आगे जा करके बैंक से सेटल करके NOC लेकर के फिर वो दूसरा लोन ले सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि लोन सेटलमेंट के बाद सिबिल डाउन होगा तो लोन आसानी से मिल जाएगा, और लोन सेटलमेंट के बाद अगर आपको NOC मिलता है तो आपको आसानी से किसी भी दूसरे बैंक से, नए बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। जो NOC बैंक देता है वह NOC दूसरा होता है, क्योंकि अगर आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कि बैंक की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गई कि आपने हमारा पूरा पैसा चुका दिया है और हम आपके सिबिल को इम्प्रूव करके दे रहे हैं, तो ये आपका NOC होता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है, और इस नो ड्यू सर्टिफिकेट को आप दूसरे बैंक में दे करके नया लोन पास करा सकते हैं। अगर इस पर किसी व्यक्ति का या किसी हमारे व्यूअर का कोई ऑब्जेक्शन है कि सर हमको तो NOC मिल गया है, NDC मिल गया है और हमें नया लोन मिला है, अगर ऐसी कोई बात है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप कमेंट करके हमें लिख करके पूरा पुख्ता सबूत के साथ दीजिए, ताकि हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि एज पर लॉ, कानून के हिसाब से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर किन्हीं केस में, एक्सेप्शनल केस में, अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, ऐसे किसी भी विचित्र मामले में ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें बताएं, इन्फॉर्म करें, और आपके द्वारा जो बताया गया इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से हमारे दूसरे भी व्यूअर को लाभ होगा और आपका एक बहुत ही अहम योगदान होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए बताते हैं, और मैंने आज पहली बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर किया कि देखिए, हमारा हमेशा कोशिश होता है कि हम कानून के हिसाब से चलें। मैं ये नहीं कि मैं बॉरोअर के पक्ष में बोलता हूँ तो मैं अपने जितने भी व्यूअर हैं उनको खुश करने के लिए इल्लीगल चीज़ें, अनर्गल चीज़ें मैं बोलता रहूं और आप उसको फॉलो करते रहें, और बाद में जब आपको नुकसान हो तो आप हमें भला बुरा कहें या फिर किसी तरीके से हमारे बारे में आप गलत सोचें, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, अगर व्यूज़ की मैं इतने ही होता तो मैं हर दिन अनाप शनाप वीडियो बना करके आपको देता रहता, लेकिन मुझे पता है कि किस वीडियो से और किस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। लीगल चीज़ से चलिए, आपके रास्ते अभी कठिन हो सकते हैं लेकिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। हम इसी प्रैक्टिस पे चलते हैं और इसी थ्योरी को लेकर के चलते हैं कि कम ही व्यूज़ आए, कम ही लोग देखें, लेकिन सही चीज़ देखें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का भी नुकसान होगा तो तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।